सो हेलो फ्रेंड, ब्लॉग में रोहित में आपका स्वागत। तो हम आज आ चुके हैं पटना के इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां पे हो रहा है इसको डेवलप करने का। पटना एयरपोर्ट का ये जो अब मॉडल तैयार हो रहा है, ये जो है वर्ल्ड क्लास लेवल का ये मॉडल होने वाला है। तो दोस्तों कैसा क्या है हम आपको दिखाते हैं, साथ ही इसके बारे में पूरी जानकारी आपको बताते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आप वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों एयरपोर्ट के नए डेवलपमेंट का काम 2019 से ही शुरू है, लेकिन कोविड के कारण इतना लेट हो गया। अब इसको पूर्ण करने का टारगेट जो है 2024 दिसंबर तक ये लक्ष्य है, और इसको बनाने वाली कंपनी नागार्जुन कंस्ट्रक्शन लिमिटेड है। आपके सामने जिस बिल्डिंग का चित्र दिखाया जा रहा है, ये बिल्डिंग है मल्टी लेवल पार्किंग का जो अब बन रहा है। इसमें 750 गाड़ी पार्किंग की कैपेसिटी है। सरफेस एरिया में इसकी पार्किंग कैपेसिटी 250 है। इस पार्किंग एरिया बिल्डिंग के थर्ड फ्लोर से यात्री इस लिंक ब्रिज के द्वारा एयरपोर्ट टर्मिनल के फर्स्ट फ्लोर से कनेक्ट होंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि ये न्यू डेवलपमेंट भवन करीब 65,155 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। बिहार में 3 एयरपोर्ट कार्यरत हैं। गया और दरभंगा एयरपोर्ट पर सुविधा का घोर अभाव है। एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल सर्वे के अनुसार पटना एयरपोर्ट को दुनिया के टॉप 200 एयरपोर्ट में शामिल किया गया है। पटना एयरपोर्ट को अत्याधुनिक बनाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधा मुहैया कराई जा सके। दिव्यांग और बुजुर्ग नागरिकों के लिए अब एयरपोर्ट प्रवेश द्वार पर ही व्हीलचेयर सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। पटना एयरपोर्ट के पुराने बिल्डिंग की सालाना पैसेंजर क्षमता 25 लाख है। अब न्यू एयरपोर्ट के बन जाने से इसकी पैसेंजर क्षमता सालाना 80 लाख हो जाएगी। मिली एक जानकारी के अनुसार इस डेवलपमेंट का 55% कार्य पूर्ण हो चुका है। इस वर्ल्ड क्लास लेवल की डेवलपमेंट को पूर्ण रूप से बन जाने के बाद इसकी सुविधाएं भी वर्ल्ड क्लास लेवल की होगी। न्यू डेवलपमेंट के साथ 5 और एप्रन के जुड़ने से एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स की पार्किंग क्षमता कुल 11 हो जाएगी। ये जो रैम की तस्वीर देख रहे हैं, ओवरब्रिज की तस्वीर देख रहे हैं, इसे डायरेक्ट मल्टी लेवल पार्किंग बिल्डिंग है उससे कनेक्ट किया जाएगा, ताकि यात्री आए और वहां पे अपने गाड़ी पार्क करने के बाद लिंक ब्रिज के जरिए एयरपोर्ट टर्मिनल तक पहुंच पाए। इस न्यू टर्मिनल की अंदरूनी सजावट बिहार की कला संस्कृति विरासत को दर्शाएगी, खासकर मधुबनी चित्रकला को दिखाने की इसमें कोशिश की जाएगी। इस टर्मिनल को बनाने में करीब 1216 करोड़ रुपए खर्च होने हैं। तो जो भी था दोस्तों, मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाया और बताया। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो के साथ।